हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में आपके साथ शेयर किया था कि हम लीफ किस तरीके से बनाएं, और वो लीव्स आपको मैंने पेंसिल से बनाने बताए थे। और आज मैं मेहंदी कौन से आपको लीफ बनाना बताऊंगी, और इसका सेकंड पार्ट है ये वीडियो का, और आपको ज़रूर से पसंद आएगा और काफ़ी हेल्प मिलेगी आपको मेहंदी लगाने में। तो यहाँ पर मैंने आपको ये जो दो लीफ बनाकर दिखाए हैं वो बिल्कुल रॉन्ग हैं, क्योंकि आप मोस्टली यही मिस्टेक करते हैं लीफ बनाने में कि ये या तो बिल्कुल लंबी लीफ बना देंगे या उसे कोई शेप दे देंगे, जो कि बिल्कुल गलत होती है। और या फिर आप इस तरीके से शेप दे देते हैं, बहुत ज़्यादा कर्व दे देते हैं नीचे से और ऊपर की तरफ इस तरह से मिला देते हैं, तो ये भी गलत है। जो सही लीफ होती है उसे बनाने के लिए किसी ज़्यादा शेप देने की ज़रूरत नहीं है किसी भी, बस हल्का सा कर्व इस तरीके से देना होता है। तो अब मैं आपको बताती हूँ कि आप जोड़कर जब लीफ बनाते हैं तो उसमें क्या गलती करते हैं फ्रेंड्स, कि उसमें काफ़ी ज़्यादा डिस्टेंस रख देते हैं, कोई शेप नहीं बनाते हैं, या अगर डिस्टेंस नहीं देते हैं तो बिल्कुल मिला देते हैं लीफ को, तो ये तरीका बिल्कुल रॉन्ग होता है। जैसा कि पिछले पार्ट में भी मैंने मेहंदी की आपसे कहा था कि जब भी आप लीफ बनाएं तो कोई भी शेप ना दें, बस हल्का हल्का सा दोनों तरफ से कर्व देना है, और कर्व देने के बाद में नीचे की तरफ से ऊपर आपको लीफ बनानी है। तो अगर इस तरीके से बनाएंगे तो ये सही बनेगी। अगर आपको इस तरीके से लीफ बनाने में प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है तो आप एक मेज़रमेंट बना लीजिएगा, जैसे कि मैंने अभी लाइंस ड्रॉ करके आपको दिखाया है, और अगर आप इस तरीके से लीफ बनाएंगे तो एकदम आपकी लीफ जो है वो बिल्कुल परफेक्ट बनेंगी। और अब मैं आपको जो लीफ की आउटर लाइंस हैं उन्हें बोल्ड करना बताऊंगी। तो बिगनर्स क्या प्रॉब्लम करते हैं फ्रेंड्स, कि जो लीफ की आउटर लाइंस होते हैं उन्हें बिल्कुल एक ही तरह से बोल्ड कर देते हैं, मतलब ये कि एक ही तरह से बराबर मेहंदी निकालते हैं, जिसकी वजह से जो लाइन है वो मोटी मोटी हो जाती हैं। तो ये बहुत गलत तरीका है, इस तरीके से लाइंस बोल्ड नहीं करनी होती हैं, बल्कि नीचे की तरफ से आप हल्की सी बारीक लाइन ड्रॉ करते हुए ऊपर आएँ, और जहाँ आपने कर्व दिया हुआ है वहाँ थोड़ा सा मोटा करें, कोन को चलाएं, ज़्यादा प्रेस करें, और फिर ऊपर से बिल्कुल बारीक करें। तो इस तरीके से आपके परफेक्ट लाइंस बोल्ड हो जाएंगे। अब मैं आपको ये वाली लीफ बताती हूँ कि किस तरीके से आपको बनानी है। तो बिगनर्स ये प्रॉब्लम करते हैं, सबसे पहले इस तरह की लीफ बनाने में स्लैंटिंग लाइन बनाते हैं, जबकि इन लीफ को बनाने के लिए हमें हल्का सा कर्व देना होता है। तो आप इस तरीके से भी लीफ गलत बनाते हैं, जैसे कि आपने मोटी लाइन लंबी सी ड्रॉ कर दी, उसके बाद एक डॉट बनाई आगे की तरफ कोन को कर दिया, ये तरीका भी आपका बिल्कुल गलत है बनाने का। अब मैं आपको बताती हूँ कि इस लीफ को बनाने का सही मेथड क्या है। तो सबसे पहले आप कर्व में एक लाइन ड्रॉ कर लीजिएगा, और उसके बाद जो लाइन आपने कर्व में ड्रॉ की है उसे टच करते हुए एक हल्की सी लाइन स्लैंटिंग बनाइएगा, उसके बाद कोन को हल्का सा प्रेस करके निकालिएगा मेहंदी को, फिर आगे की तरफ से थोड़ी ज़्यादा मेहंदी निकालिएगा, और फिर इस तरीके से जो आपका कोन है उसकी नोक से मेहंदी को आगे बढ़ा दीजिएगा। तो इस तरीके से जो हमारी लीफ होती है वो बहुत परफेक्ट बनती है। तो सही लीफ की यही पहचान होती है कि पीछे की तरफ से जब आप कोन को प्रेस करते हैं तो आपको बहुत कोन हल्का प्रेस करना होगा, मेहंदी बहुत हल्के से निकालनी होगी, ताकि पीछे की तरफ जो लीफ की शेप है वो हल्की सी वी शेप आए। तो आप क्या करते हैं, हल्की सी डॉट निकाली और कोन की नोक से उसे आगे की तरफ प्रेस कर लिया, लेकिन जो लीफ होती है वो इस तरीके से फ्रेंड्स नहीं बनती है। सही लीफ बनाने के लिए आप हल्की सी लाइन ड्रॉ करेंगे, और ड्रॉ करने के बाद में आप हल्का सा कोन प्रेस करके मेहंदी को बाहर निकालेंगे, फिर आगे की तरफ से मेहंदी को थोड़ा ज़्यादा प्रेस करेंगे और कोन की नोक से आगे की तरफ बढ़ा देंगे। अब ये देखिए, जैसे कि सही जो लीफ बनती है वो इस तरीके से पीछे से उसकी जो शेप होती है वो वी शेप होती है, और आप जो शेप दे देते हैं वो थोड़ी सी कर्व में हो जाती है, जो कि गलत है। अब मैं आपको दूसरे टाइप की लीफ बनाना बता रही हूँ। उसके लिए पहले तो आप देखिए कि मैंने शेप किस तरीके की बनाई है। आप इस तरह से शेप बना देते हैं, और फिर उसके बाद जो अंदर की लाइंस होती हैं वो बहुत ज़्यादा डिस्टेंस पर आप ड्रॉ करते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। और जब आप बाहर की लाइंस को, जो आउटर लाइंस हैं उन्हें बोल्ड करते हैं, तो वो भी बिल्कुल एक जैसा करते हैं, कहीं से पतली नहीं होती हैं वो, ना कहीं से मोटी होती हैं। इस तरह की जो लीफ होती हैं वो देखने में बिल्कुल अच्छी नहीं लगती हैं। तो सही लीफ का जो तरीका है वो मैं अब आपको बताऊंगी। तो मैं अब आपको सही लीफ ड्रॉ करना बता रही हूँ। तो उसके लिए मैंने, जैसे कि पहले भी कहा है आपसे, कोई भी शेप बनाने की ज़रूरत नहीं है, बस हल्का सा कर्व दे देना है, और इस तरीके से आप एक शेप लीफ की ड्रॉ कर लीजिए। तो बीच की जो लाइन है उसे भी हल्का सा कर्व में ही ड्रॉ कीजिएगा,
और ये जो लाइन सबसे पहले हम बनाएंगे वो रेफरेंस लाइन बनाएंगे, और अब यहाँ पर हम इस तरीके से थोड़े सी पास पास लाइंस हमने ड्रॉ करनी है, और उनको भी हमने बिल्कुल स्लैंटिंग नहीं बनाना है बल्कि हल्का सा कर्व देना है। जैसा कि इस लीफ में मैं आपको दिखा रही हूँ कि बहुत ज़्यादा दूर दूर हमने ये लाइंस ड्रॉ की हैं, और वो भी स्लैंटिंग लाइंस ड्रॉ की हैं, जबकि ऐसा नहीं करते हैं, बल्कि जो लीफ होती हैं उसमें जो लाइंस हम ड्रॉ करते हैं अंदर की तरफ, वो हल्की सी कर्व में करते हैं। तो ये कर्व जो होता है ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है इस तरीके से लाइंस। और आपने देखा ना कि हल्की सी हमने रेफरेंस लाइन ड्रॉ की है, तो उसकी वजह से हमारी लीफ अभी भी बहुत अच्छी लग रही है। अब ये जो बीच की लाइन है इसको हम बोल्ड करेंगे, तो उसके लिए ऊपर से इसे मोटा रखेंगे थोड़ा सा, कौन ज़्यादा प्रेस करेंगे और नीचे आते आते कौन कम प्रेस करेंगे। और इसी तरीके से ये जो साइड से लाइन हम बोल्ड करेंगे इसकी आउटर लाइंस, वो भी इसी तरह से बोल्ड करेंगे कि ऊपर से तो थोड़ी सी पतली लाइन रहेगी, बीच में से जहाँ से कर्व ज़्यादा है वहाँ से थोड़ा मोटा रखेंगे कोन को चलाएंगे, और नीचे की तरफ से आते आते फिर बारीक कर देंगे। तो ऐसा करने से जो हमारी लीफ की शेप है वो बहुत अच्छी आती है। तो मैं आपको एक लीफ ड्रॉ करके और उसे बोल्ड करने का तरीका बताऊंगी, तो आपके एकदम समझ में आ जाएगा कि इस लीफ को हमें किस तरीके से बोल्ड करना होता है। तो देखिए यहाँ पर मैंने एक जो लीफ है उसको ड्रॉ कर लिया है, अब इसे हम बोल्ड कैसे करेंगे। तो आप देख सकते हैं कि इस लीफ में थोड़ा सा कर्व है दोनों तरफ, ऊपर की तरफ भी और नीचे की तरफ भी। अब बस यहीं से जहाँ से कर्व शुरू होता है वहाँ से हमें जो लाइंस हैं उन्हें बोल्ड करनी होती है, थोड़ा ज़्यादा कोन प्रेस करना होता है, और ऊपर और नीचे की साइड से बहुत हल्का कोन प्रेस करना होता है ताकि हल्की लाइन ड्रॉ हो। तो इस तरीके से जो आपकी लीफ है उसकी जो लाइंस आप बोल्ड करेंगे तो वो बहुत अच्छी लगेंगी। तो अब जो मैं नेक्स्ट लीफ आपको बनाना बता रही हूँ वो आप इस तरीके से बनाते हैं, जो कि बिल्कुल गलत मेथड है इसे बनाने का, और आप क्या मिस्टेक इसमें करते हैं अब वो मैं आपको बताऊँगी। तो सबसे पहले इस लीफ को बनाने के लिए आप जो हैं वो रेफरेंस लाइन ड्रॉ नहीं करते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो मैं एक बार और ड्रॉ करके आपको बता देती हूँ इस तरीके से आप लीफ बनाते हैं। तो इसको बनाने का ये जो मेथड है वो बिल्कुल गलत मेथड है, और क्या मिस्टेक आप इसमें करते हैं वो अब मैं आपको बताती हूँ। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं जैसे कि लाइन नीचे की तरफ आ रही हैं, आपने बहुत ज़्यादा डिस्टेंस इनमें दे दिया है, इन्हें मिलाया नहीं है, तो इस तरीके से जो लीफ होती है वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं बनती है। अब मैं सही लीफ आपको ड्रॉ करके बताऊँगी कि किस तरीके से हमें लीफ को बनाना चाहिए। तो अब मैं आपको बताऊंगी फ्रेंड्स कि रेफरेंस लाइन ड्रॉ करते वक्त भी बहुत से बिगनर्स बहुत ज़्यादा मिस्टेक करते हैं। तो क्या मिस्टेक करते हैं वो मैं अब आपको बताती हूँ। तो बिगनर्स सबसे बड़ी जो मिस्टेक करते हैं वो ये करते हैं फ्रेंड्स, जब भी रेफरेंस लाइन ड्रॉ करते हैं उसे बहुत ज़्यादा डार्क कर देते हैं, जबकि रेफरेंस लाइन जो होती है वो ज़्यादा डार्क नहीं होनी चाहिए। और दूसरी जो मिस्टेक करते हैं वो ये करते हैं कि जब भी आउटर लाइंस होती हैं उन्हें हम बोल्ड करते हैं तो बिल्कुल एक जैसा बोल्ड नहीं करते हैं, हम ऊपर से बारीक कोन प्रेस करते हैं, हल्की सी लाइन ड्रॉ करते हैं, फिर नीचे से मोटी और फिर ऊपर से फिर पतली लाइंस ड्रॉ करते हैं, बल्कि बिगनर्स क्या करते हैं कि बिल्कुल एक जैसी मोटी लाइन ड्रॉ कर देते हैं, जिसकी वजह से लीफ बहुत बेकार लगती है। और बिगनर्स जो एक और मिस्टेक करते हैं वो ये करते हैं फ्रेंड्स कि जब भी रेफरेंस लाइन ड्रॉ करते हैं तो सेंटर लाइन ड्रॉ नहीं करते हैं, बल्कि पहले पूरी लीफ ड्रॉ कर लेते हैं। इसकी वजह से जो सेंटर लाइन होती है वो हमारी जो होती है वो कहीं से चौड़ी और कहीं से पतली हो जाती है, जो बहुत बेकार लगती है। तो अगर सबसे पहले आप कोई भी रेफरेंस लाइन ड्रॉ करने से पहले सेंटर लाइन ड्रॉ करेंगे फिर लीफ बनाएंगे तो आपकी जो लीफ की शेप है वो काफ़ी अच्छी आएगी। अब मैं एक और लीफ आपको ड्रॉ करके बता रही हूँ जो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लगती है। तो इसे बनाने के लिए सबसे पहले हम यहाँ पर रेफरेंस लाइन ड्रॉ करेंगे। ये लीफ बनाना बहुत ज़्यादा आसान है, तो बहुत ही ज़्यादा इजी मेथड से मैं आज आपको इस लीफ को बनाना बता रही हूँ फ्रेंड्स। और सबसे पहले हम रेफरेंस लाइन ड्रॉ करेंगे, तो बहुत ही ज़्यादा लाइट लाइन हम ड्रॉ करेंगे यहाँ पर और एक लीफ बनाएंगे। और इस तरीके से लीफ बनाने के बाद में ऊपर की तरफ एक लाइन ड्रॉ करते हुए नीचे आएंगे, और जो डिस्टेंस आप देख रहे होंगे हमने बिल्कुल नहीं छोड़ा है, एक दूसरे से लाइंस को हमने इस तरीके से कर्व देते हुए मिला दिया है। तो इस तरीके से हमें बनानी है ये देखिए इस तरीके से हमने लाइन को ड्रॉ किया और नीचे की तरफ आए और नीचे की लाइन से मिला दिया। और बिल्कुल इसी तरह से हमें जो हमने बराबर वाली हमारी हाफ लीफ है इसको भी ड्रॉ कर लेंगे ताकि एक जैसा डिज़ाइन हमारा बने। ये देखिए इसी तरीके से हमने कर्व देना है
ऊपर जाएंगे पहले और ऊपर से कर्व देते हुए हम नीचे की तरफ आएंगे और लाइंस को इस तरीके से मिला देंगे। ये देखिए बहुत ज़्यादा हल्के हाथों से मैं आपको दिखा रही हूँ इसे बनाकर ताकि आपकी समझ में आ जाए। तो जो रेफरेंस लाइन हमने सेंटर की ड्रॉ की थी उसकी वजह से इसे बनाना बहुत ही ज़्यादा आसान हो जाता है और बहुत ही आसानी के साथ ये लीफ हमारी बनकर तैयार हो जाती है। अब ये देखिए ऊपर की जो जगह यहाँ पर बची हुई है वहाँ पर हम जैसे कि मैंने आपको लीफ बनाना बताया है उसी तरह से हाफ लीफ बना देंगे और इस तरीके से हम यहाँ पर हाफ लीफ बना देंगे। तो बहुत ही खूबसूरत सी हमारी ये लीफ बनकर तैयार हो गई है और काफ़ी मेहंदी के डिज़ाइंस में इस लीफ का यूज़ होता है। और ऊपर की तरफ सेंटर में एक हल्की सी लाइन ड्रॉ कर देंगे। तो ये देखिए हमारी ये ब्यूटीफुल सी लीफ बनकर तैयार हो चुकी है और बहुत ही आसान मेथड है इस लीफ को बनाने का। कोई ख़ास मेहनत भी इसमें नहीं करनी पड़ेगी आपको, बस थोड़ी सी प्रैक्टिस की ज़रूरत है तो आपकी ये बहुत ही ब्यूटीफुल सी लीफ बनकर तैयार हो जाएगी। अब मैं आपको दिखा रही हूँ फ्रेंड्स कि बिगनर्स जो हैं वो क्या मिस्टेक करते हैं इस तरह की लीफ बनाने के लिए। तो ना तो वो सेंटर लाइन ड्रॉ करते हैं और आप देख रहे हैं कि इन लीफ के बीच में जो इतना ज़्यादा डिस्टेंस है वो बना देते हैं जिसकी वजह से ये लीफ हमारी बिल्कुल बेकार लगती है। तो यहाँ पर नीचे की साइड में हमें बिल्कुल भी डिस्टेंस नहीं छोड़ना है बल्कि इन सभी जो हमने यहाँ पर कर्व लाइन्स दी हैं उन्हें आपस में अच्छे से मिला देना है। और अब एक और लीफ मैं आपको बनाना बताऊंगी। तो सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि बिगनर्स क्या मिस्टेक करते हैं। तो इस तरीके से वो लीफ बना देते हैं, कोई रेफरेंस लाइन बीच की ड्रॉ नहीं करते हैं। तो ये जो मेथड है बिल्कुल गलत है बनाने का। और अब मैं आपको बताती हूँ कि सही लीफ किस तरीके से हम बनाएँ। तो वही मेथड है फ्रेंड्स जो मैं आपसे शुरू से कहती चली आ रही हूँ। हल्की सी रेफरेंस लाइन ड्रॉ करिए बीच में और उसके बाद इस लीफ को बनाइए, वो भी हल्की सी, बहुत ज़्यादा रेफरेंस लाइन आपको ड्रॉ करनी होगी। अब उसके बाद जैसे कि हमने ये वाली नीचे वाली लीफ आपको बनानी बताई थी कि कर्व लाइन देकर हम नीचे की तरफ मिला देंगे, डिस्टेंस नहीं छोड़ेंगे, बस आपको ये इसी तरह से बनानी है। तो ऊपर की तरफ से यहाँ पर हम गोलाई देते जाएंगे और नीचे की तरफ लाकर जो रेफरेंस लाइन हमने सेंटर की ड्रॉ की थी उससे मिलाते जाएंगे। बहुत ज़्यादा सिंपल मेथड है इस लीफ को बनाने का और बहुत ही आसानी के साथ ये बन जाती है। तो ये देखिए जो रेफरेंस लाइन हमने ड्रॉ की थी उसी के ऊपर ये लाइन हम बनाएंगे और ऊपर से कर्व देते हुए नीचे की तरफ आकर उसे मिला देंगे और इसी तरह उसके सामने भी लीफ बना देंगे। क्योंकि बीच में हमने एक सेंटर लाइन ड्रॉ कर ही रखी है तो उससे बिल्कुल मिला कर ये कर्व लाइन हमने ड्रॉ करनी है और अब ऊपर से इस तरीके से एक लीफ बना देंगे। तो एक बार और मैं आपको ये ड्रॉ करके बता रही हूँ किस तरीके से इस लीफ को हमने बनाना है। बहुत ही ईजी मेथड है, देखकर ही आपके समझ में आ जाएगा कि किस तरीके से हमने ये लीफ बनाई है। तो ये देखिए अब यहाँ भी हम एक और लीफ इसी तरीके से ड्रॉ कर देंगे और ऊपर से लीफ बना देंगे। तो ये लीजिए फ्रेंड्स हमारी सारी लीफ बनकर तैयार हो चुकी हैं। आई होप आपको मेरा ये वीडियो ज़रूर से पसंद आएगा और इससे काफ़ी हेल्प मिलेगी। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा और इससे आपको कितनी हेल्प मिली। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर से कर दीजिएगा और सब्सक्राइब के बराबर में जो बेल आइकन आता है उसको ज़रूर से प्रेस कीजिएगा ताकि मेरे आगे आने वाली नई वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। तो चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए फ्रेंड्स थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।